हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो सो आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी एस फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर सिक्स जिसका ये लेक्चर नंबर वन है बीएससी एस फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की टू बुक लगी हुई हैं जिसमें से फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं अगर आपको प्रीवियस के लेक्चर्स देखते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं सो so, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर सिक्स लीगेंट्स फंक्शंस का जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो चैप्टर है फॉर्मुला बेस्ड इसमें क्वेश्चंस हैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए और आप क्वेश्चन को कर लेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लीगेंट्स फंक्शंस क्या होते हैं लीगेंट्स इक्वेशन्स क्या होती हैं तो so, मैं आपको बताती हूँ कि लीगेंट्स इक्वेशन क्या होती है ठीक है सो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन क्या है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है इसकॉल द लीगेंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है लीगेंड डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है किस फॉर्म में इस तरह की फॉर्म में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन एन प्लस वन वाई इक्वल्स टू जीरो अगर एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो वो आपकी लीगेंड डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है दिस इक्वेशन कैन रिटन कैन ऑल्सो रिटन एज इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है इन दोनों टर्म्स में से डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं डी ओवर डी एक्स कॉमन लेते हैं सो ये इक्वेशन मिलती है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन एन प्लस वन वाई ठीक है जब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा के जब ओपन करेंगे तो ये दोबारा से यही बन जाएगी तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सो लीगेंड फंक्शन और लीगेंड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए अब एक फॉर्मूला होता है लीगेंड फंक्शंस को लीगेंड इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैं आपको वो बताती हूँ वो फॉर्मूला होता है समीशन एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन एक्स इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन अपॉन टू वेयर वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन अपॉन टू कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन सो so, देखिए ये तो मैंने आपको जो अभी ऊपर इक्वेशन बताई है समझाने के लिए बताई है कि आपको कहीं मिलेगा तो आप कहेंगे वो लीगेंड फंक्शन है लीगेंट इक्वेशन है बट ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसमें जो ये वाला टर्म है पूरा वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन पॉइंट टू इस कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन इसको हम कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन तो लीगेंट फंक्शन में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको पी एन एक्स की फॉर्म में मिलेंगे लीगेंड फंक्शन में कैसे होते हैं पी एन एक्स की फॉर्म ठीक है तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है एच की पावर एन पी एन एक्स इक्वल्स टू के जो एन होगा उसकी वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी होगी समीशन में सो so, हम वहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन अपॉन टू ठीक है ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है इसका यूज़ होगा इस चैप्टर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने में अब हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं सो so, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करती हूँ क्वेश्चन है शो दैट शो डैट पी एन वन इक्वल्स टू के वन हमको ये प्रूफ करके लाना है पी एन वन की वैल्यू वन है ये हमको प्रूफ करके लाना है सो so, हम इसका ही इस फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर ठीक है सो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं देखिए कैसे ये फॉर्मूले यूज़ करना है ठीक है सो so, हम लिख देते हैं इस फॉर्मूले को दोबारा से समीशन एन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन एक्स इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन अपॉइंट टू आप जितनी बार भी क्वेश्चंस करें और उससे रिलेटेड फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में बार बार लिखें बार बार लिखने से ये होता है कि वो फॉर्मूला आपको याद भी हो जाता है और उस सम को करने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती और वो बार बार लिखने से हर क्वेश्चन में वो फॉर्मूला भी आपको याद हो जाता है सो so, फॉमूलेस को याद करने की ट्रिक मैथ में ये भी होती है कि आप जितने क्वेश्चन लगा रहे हैं उस फॉर्मूले से रिलेटेड हर क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को लिखें ठीक है सो so, मैंने यहाँ पर ये यह फॉर्मूला लिख दिया है अब मुझे क्या लाना है पी एन वन यहाँ पर यहाँ पर पी एन एक्स है यानी कि एक्स के प्लेस पर यहाँ पर क्या है वन x के प्लेस पर क्वेश्चन में वन है सो so, मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में x के प्लेस पर क्या पुट करती हूँ वन पुटिंग x इक्वल्स टू के वन जैसे ही मैं x के प्लेस पर वन पुट करूंगी इस फॉर्मूले में देखिए समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी एज इट इज h की पावर n भी एज इट इज पी एन एक्स के प्लेस पर वन पुट कर करते इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स के प्लेस पर वन पुट करेंगे प्लस सॉरी मल्टीप्लाई एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन अपॉन टू ठीक है सो so, यहाँ पर हो जाएगा समीशन एन जीरो से लेके इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन वन एज इट इज ठीक है एंड यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस के वन अपॉन टू ये वाला एज इट इज चल रहा है समीशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी जो आपका एल एच एस वाला टर्म है वो एज इट इज़ चल रहा है एच की पावर एन पी एन वन अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है वन माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है वन माइनस एच का होल स्क्वायर यहाँ पर वन माइनस एच का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है माइनस वन अपॉन टू ठीक है अब क्या होगा इस टू से ये वाला टू कैंसिल कितना बची पावर माइनस के वन सो so, समीशन एन ज़ीरो से लेके इनफिनिटी एच की पावर एन पी एन वन इक्वल्स टू वन माइनस एच की पावर माइनस वन बिकॉज टू से टू कैंसिल हो चुका है केवल क्या रिमेन है माइनस के वन अब फिर से ये वाला टर्म तो अभी भी एज इट इज चल रहा है समीशन एन जीरो से लेके इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन वन इक्वल्स टू यहाँ देखिए एक्सपेंशन खोलेंगे हम वन माइनस एच की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन वन माइनस एच की पावर माइनस वन का यहाँ एक्सपेंशन खोलेंगे तो उसका एक्सपेंशन होता है वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस एच की पावर एन कहीं टर्म होगा इस तरह से एक्सपेंशन खुलता है वन माइनस एच की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन इस तरह से खुलता है वन प्लस एच प्लस एच स्क्वायर एंड सो ऑन एच की पावर एन का अब देखिए ऑन इक्वेटिंग द कोफिशेंट एच की पावर एन अब मैंने क्या करा है एच की पावर एन को ही मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेट कर रही हूँ जैसे ही मैं केवल और केवल मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ऑन इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग द कोफिशेंट कोफिशेंट ऑफ एच की पावर एन मैं एच की पावर एन के ही कोफिशियंट को केवल और केवल इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर h की पावर n का क्वेश्चन कितना है वन क्योंकि यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा वन एंड देन यहाँ पर h की पावर n के साथ क्या है p n वन सो यहाँ से आपको p n वन एल एच एस से मिला एंड आर एच एस से आपको मिला वन सो हैंस प्रूफ आपको यही प्रूफ करके लाना था हैंस प्रूफ इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे देखिए कि कितने ईजी थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए सो so, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले बेस्ड पर जिससे कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अभी हमने प्रूफ करा था पी एन वन बराबर वन अब हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमको क्या प्रूफ करना है शो दैट पी एन जीरो इक्वल्स टू ज़ीरो बिल्कुल सेम जैसे हमने इसमें मेथड यूज़ किया है फॉर्मूला लगा के स्टेप बाय स्टेप सेम बिल्कुल इसमें करना है देखिए कैसे हमको प्रूफ करना है पी एन जीरो इक्वल्स टू के जीरो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन में फॉमूले को नोट करते हैं सोल्यूशन में सो so हम लगाते हैं समीशन एन जीरो से लेके इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन एक्स इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन अपन टू यह हमने फॉर्मूला लिख दिया है अब हम क्या करेंगे यहां पर एक्स के प्लेस पर क्या है जीरो क्वेश्चन में एक्स के प्लेस पर क्या है जीरो सो so, हम क्या पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर जीरो पुटिंग एक्स इक्वल्स टू जीरो सो हम करते हैं एक्स के प्लेस पर जीरो पुट n इक्वल्स टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी h की पावर n पी एन जीरो बराबर वन माइनस टू इंटू ज़ीरो इंटू एच प्लस यहाँ पर एक्स के प्लेस पे ज़ीरो पुट करा है बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ हैं एच स्क्वायर की पावर माइनस वन अपॉन टू सो एल एच एस वाला टर्म सारा का सारा एज इट इज़ एन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन जीरो इक्वल्स टू वन माइनस ये पूरा टर्म ज़ीरो क्योंकि जब जीरो की किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होती तो ज़ीरो प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन पॉइंट टू और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं समीशन एन जीरो से लेके इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन ज़ीरो एज इट इज़ वन प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस वन पॉइंट टू इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है अब ध्यान से देखिए मैं क्या करती हूँ ये वाला टर्म तो एज इट इज़ है एल एच एस में समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी एच की पावर एन पी एन ज़ीरो बट इधर को मैं थोड़ा सा अलग करके लिखती हूँ आर एच एस में वन माइनस माइनस के एच स्क्वायर ठीक है की पावर माइनस वन अपॉइंट टू देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है पावर तो एज इट इज़ ही है वन भी एज इट इज़ है मैंने प्लस के एच स्क्वायर को प्लस के एच स्क्वायर को यहाँ पर इस तरह से लिखा है माइनस का बाहर लिया है और माइनस का ही एच स्क्वायर अंदर लिया है बिकॉज देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा प्लस बट अभी मैंने इसको ऐसे लिखा है माइनस बाहर लिखा है और एक माइनस अंदर लिखा है इसको मैंने क्यों लिखा है मैं बताती हूँ मैंने क्यों लिखा है मैंने इसको इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि हमारे पास इसका एक्सपेंशन अवेलेबल होता है वन प्लस एच स्क्वायर का एक्सपेंशन अवेलेबल नहीं होता लेकिन वन माइनस इस तरह से वन माइनस और ये पूरा एक कोफिशेंट अगर हम माने एक टर्म माने इसका एक्सपेंशन अवेलेबल होता है सो so, अब इसका एक्सपेंशन अगर मैं ओपन करती हूँ तो देखिए इधर वाला टर्म तो हर बार एज इट इज़ ही लिखा जाएगा जब हम इसका एक्सपेंशन खोलते हैं सो तो होता है वन प्लस वन अपॉन टू और ये वाला टर्म जो होता है माइनस के एच स्क्वायर प्लस वन डॉट थ्री टू डॉट फोर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सो ऑन वन डॉट थ्री डॉट फाइव टू आर माइनस वन ओवर टू डॉट फोर डॉट सिक्स सोन आर माइनस का एच स्क्वायर की पावर आर प्लस सोन देखिए मैंने ये कैसे लिखा है यहाँ तक तो क्लियर होगा उसके बाद इसका जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है पावर आगे आती है देखिए वन वन अपॉइंट टू है तो पावर आ जाएगी और वही वाला टर्म प्लस फिर वन था फिर वन डॉट थ्री नीचे टू था तो टू डॉट फोर इसका भी होल स्क्वायर इसका आगे का अगर टम लिखोगे तो वन डॉट थ्री डॉट फाइव एंड टू डॉट फोर डॉट सिक्स एंड पावर क्या होगी अब यहाँ पर यहाँ पर मैंने कुछ टर्म बीच में ऐसे कुछ टर्म्स आ रहे होंगे जो हम यहाँ पर एन भी ले सकते हैं आर भी ले सकते हैं ठीक है एन यहाँ पर था इसलिए मैंने यहाँ पर आर ले लिया टू आर माइनस वन टू आर एच स्क्वायर की पावर आर जैसे सो ऑन एन तक लेते हैं ना हमने हम जब कोई एक्सपेंशन खोलते हैं तो हम दिखाते हैं कि वन फिर टू फिर थ्री एंड सो ऑन एन तक so, और उसके बीच में भी कोई टर्म एक्जिस्ट करता है तो यहाँ पर हमने एक टर्म दिखाया है जिसको हमने आर से डिनोट किया है ये इसका एक्सपेंशन है ठीक है अब क्या है इसकी वैल्यू क्या होगी पी एन ज़ीरो इक्वल्स टू के ज़ीरो बिकॉज़ जब हम यहाँ से एच की पावर एन इक्वेट करेंगे किसके कोविशेंट को एच की पावर एन तो एच की पावर एन तो है ही नहीं तो इसलिए ये टर्म कितना होगा ज़ीरो तो पी एन इक्वल्स टू जीरो जो कि हमको प्रूफ करके लाना था हैंड्स प्रूफ इस तरह से इसके क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वो डाउट मैं क्लियर कर दूँ अब इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं हम जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ आती जाएंगी वैसे वैसे प्रॉपर्टीज करते जाएंगे अभी हम दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीगेंट पॉलिनोम सो मैं यहाँ पर उसके फॉर्मली नोट करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी सो देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग नोट की है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लीगेंट्स पोलिनोम्स हम यहाँ पर लीगेंट पॉलिनोमल्स की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सो दो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फर्स्ट होती है इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इक्ल्स टू जीरो एफ़ एम नॉट इक्वल टू एन देखिए ये प्रॉपर्टी है सो so, ये प्रॉपर्टी है अगर लीग एंड की तो आपको एज एट इज़ पूरी के पूरी इसको याद रखनी है क्या होता है इंटीग्रेशन लिमिट होती है माइनस वन टू प्लस वन इंटीग्रेशन माइनस वन टू प्लस वन पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इसकी वैल्यू कितनी होगी जीरो इफ़ एम नॉट इक्वल टू एन अगर एम नॉट इक्वल टू एन है सो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है माइनस वन टू एम माइनस वन टू प्लस वन पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू टू ओवर टू एन प्लस वन इफ़ एम इक्वल्स टू के एन जब एम बराबर एन होगा तो देखिए यहाँ पर एम है और यहाँ पर भी अगर मैं एम की प्लेस पर एम लिख दूँ एन के प्लेस पर एम लिख दूँ तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो वही तो कराए माइनस वन टू वन है ही अगर मैं पी एम एक्स के प्लेस पर पी एन एक्स लिख दूँ तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्यों क्योंकि एम इक्वल्स टू के एन है तो उसकी वैल्यू जीरो ना होकर क्या होगी टू ओवर टू एन प्लस वन सो ये प्रॉपर्टी हैं दो जो आपको अच्छे से याद करनी है तो इसको याद कर लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं ठीक है और इस चैप्टर में फॉर्मले ज़्यादा है सो so, इस चैप्टर में लीगेंट फंक्शन के कुछ रिकरेंस फॉर्मले होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रिकरेंस फॉर्मले मतलब रिकरेंस रिलेशन होते हैं और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट होंगे सो so, सिक्स रिकरेंस रिलेशन होते हैं पॉलिनो लीगेंट पॉलिनॉमर्स के तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सो so, मैं यहाँ पर पहले नोट डाउन कर देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से ठीक है सो देखिएगा फ्रेंड्स रिलेशन मैंने नोट कर लिए हैं यहाँ पर सिक्स रिलेशन होते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया सो ये सिक्स रिलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए सो आप इसको याद कैसे करते हैं इनको बार बार लिख कर आप इनको याद कर सकते हैं ये इजीली याद नहीं होते हैं सो इनको आप बार बार जब याद करते हैं लिखते हैं बार बार लिख लिख कर याद करते हैं तो आपको ये याद होते हैं ठीक है फर्स्ट रिलेशन होता है टू एन प्लस वन एक्स पी एन इक्वल्स टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन प्लस एन पी एन माइनस वन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन पी एन इक्वल्स टू टू एन माइनस वन एक्स पी एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन पी एन माइनस टू अब देखिए इन रिकरेंस रिलेशंस को याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है सेकेंड है एन पी एन इक्वल्स टू के एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस वन जैसे कि यही है सेकेंड रिलेशन सो इसमें आपको पता है क्वेश्चन क्या बना कर देंगे यहाँ पर एन है और एक यहाँ पर रहना है इन दोनों के प्लेस पर कोई नंबर रख देंगे जैसे एट पी नाइन उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी सो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस वन तभी हम आप उसका यूज़ करके वहाँ पर कर सकते हैं ठीक है थर्ड रिलेशन होता है टू एन प्लस वन पी एन इक्व टू पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन इन सारे रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा फोर्थ रिलेशन होता है एन प्लस वन पी एन इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी डैश एन फिफ्थ एक्स माइन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर पी डैश एन इक्वल्स टू एन पी एन माइनस वन माइनस एक्स पी एन सिक्स रिलेशन होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन ये फिफ्थ और सिक्स सेम होता है बट डिफरेंस इतना होता है कि इन दोनों का इक्वल्स टू के इधर वाला टर्म अलग होता है मतलब इन दोनों को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं एन प्लस वन एक्स पी एन माइनस पी एन प्लस वन ठीक है सो so, ये सिक्स रिलेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के और आपको आने चाहिए इस चैप्टर के फॉर्मूले ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा दो फॉर्मले और हैं इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ एक फॉर्मूला है ये तो आपका रिकरेंस रिलेशन हो गया एक फॉर्मूला है जिसका नेम है बेल्ट रामीज रिजल्ट इसका नेम देखिए कितना यूनिक सा है बेल्ट रामीज रिजल्ट सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है इसका फॉर्मूला होता है टू एन प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन डैश इक्वल्स टू एन एन प्लस वन टी एन प्लस वन माइनस पी एन माइनस वन सो ये होता है बेल्ट्रामीज रिजल्ट जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए इस चैप्टर में तो आप तैयार हो जाइए बहुत सारे फॉर्मूले याद करने के लिए नेक्स्ट फॉमूला होता है रोड्रिग्यू फॉर्मूला इसको बोलते हैं रॉड्रिगो फॉर्मूला ठीक है इसका क्या फॉर्मूला होता है ये भी आपको पता होना चाहिए और अच्छे से याद कर लेना पी एन एक्स इक्वल्स टू वन ओवर एन का फैक्टोरियल टू की पावर एन डी एन ओवर डी एक्स एन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन ये होता है रॉड्रिगी फॉर्मूला सो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं रिकरेंस रिलेश रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं सो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट करती हूँ ठीक है सो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस टू इक्वल्स टू टू एन माइनस वन पी एन माइनस वन अब आपको ये देखना है कि इन सिक्स रिलेशन में से कौन सा रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सो so, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा रिकरेंस रिलेशन ठीक बैठेगा सो so, मेरे अकॉर्डिंग इसमें रिकरेंस रिलेशन जो थर्ड वाला रिलेशन है वो बिल्कुल इसमें ठीक बैठेगा देखिए मैं आपको करके बताती हूँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सो so, पहले आप लिखेंगे बाय रिकरेंस रिलेशन थर्ड इज हम यहाँ पर थर्ड का यूज़ करेंगे सो so, सबसे पहले थर्ड वाला नोट कर लीजिए थर्ड है टू एन प्लस वन पी एन इक्वल्स टू पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन देखिए मैंने इसका यूज़ क्यों किया है यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए अगर मैं ऑन रिप्लेसिंग एन माइनस वन इन प्लेस ऑफ एन मैं क्या करती हूँ इस क्वेश्चन में एन के प्लेस पर एन माइनस वन रिप्लेस कर देती हूँ ठीक है सॉरी इस फॉर्मूले में एन के प्लेस पर एन माइनस वन रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है हमको ये प्रूफ करके ही तो लाना है अगर मैं थर्ड वाले रिलेशन में एन के प्लेस पर एन माइनस वन रिप्लेस कर देती हूँ इस फॉर्मूले में सो so मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा देखिए कैसे मैं एन के प्लेस पर क्या रखती हूँ एन माइनस वन टू एन के प्लेस पर एन माइनस वन प्लस वन एज इट इज़ पी एन के प्लेस पर एन माइनस वन इक्व टू पी डैश एन के प्लेस पर एन माइनस वन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइन एन माइनस वन माइनस वन इस तरह से मैंने एन के प्लेस पर एन माइनस वन रिप्लेस किया है तो यहाँ पर हो जाएगा टू एन माइनस टू प्लस वन पी एन माइनस वन इक्वल्स टू पी डैश माइनस वन से प्लस वन कैंसिल एन माइनस यहाँ पर पी एन माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस के टू अभी हो जाएगा टू एन माइनस टू में से प्लस के वन गए कितने बचेंगे माइनस के वन टू एन माइनस वन पी एन माइनस वन इक्वल्स टू पी डैश एन माइनस पी एन माइनस टू सो देखिए क्वेश्चन पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस टू एन टू एन माइनस वन पी एन माइनस वन सिमलर बिल्कुल सेम बन चुका है सो so, ये आ गया हमारा आंसर तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे बट बहुत ही ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन से रिलेशन का यूज़ हो रहा है so, सो मैंने यहाँ पर सोचा थर्ड का यूज़ हो रहा है अगर मैं एन के प्लेस पर एन माइनस वन रिप्लेस करती हूँ तब ठीक है इस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं और क्लियर करते हैं एक क्वेश्चन और नोट करती हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी देखिएगा फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन और नोट किया है क्वेश्चन है एक्स ये क्वेश्चन है एक्स पी डैश एन नाइन इक्वल्स टू पी डैश एट प्लस नाइन पी नाइन इसको हमको ये प्रूफ करके लाना है आप देखिए क्वेश्चन में हम कौन से रिकरेंस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था एन पी एन है और यहाँ पर क्या है नाइन पी नाइन है ठीक है आप ध्यान से देखिए और पी डैश एन माइनस वन है यानी कि अगर मैं एन के प्लेस पर नाइन रखती हूँ तो नाइन माइनस वन एट एट बन जाएगा समझने की कोशिश कीजिए रिकरेंस रिलेशन सेकंड का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी क्यों करूँगी यहाँ पर मुझे एन पी एन दिख रहा है नाइन पी नाइन दिख रहा है यानी कि मैं एन के प्लेस पर नाइन रख देती हूँ एक्स पी डैश एन एक्स पी डैश एन के प्लेस पर नाइन रख दूंगी नाइन पी एन माइनस वन एन के प्लेस पर नाइन नाइन माइनस वन एट सो इसमें तो आपका थोड़ा सा ईजी हो रहा है आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि इसमें कौन से रिकरेंस रिलेशन का यूज़ हो रहा है सो so, मैं यहाँ लिखती हूँ बाय रिकरेंस रिलेशन सेकंड इज अगर मैं सेकंड रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन रख लेती हूँ एन पी एन इक्वल्स टू के एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस वन अब मैं एन के प्लेस पर क्या करूँगी एन के प्लेस पर मैं नाइन रख दूँगी सो so मैं लिखूँगी ऑन रिप्लेसिंग ऑन रिप्लेसिंग नाइन इन प्लेस ऑफ एन इन प्लेस ऑफ एन एन के प्लेस पर मैं नाइन रखती हूँ तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं एन के प्लेस पर नाइन रख रही हूँ इस यहाँ पर नाइन पी नाइन ठीक है इक्वल्स टू एक्स इट इज पी डैश एज इज एन के प्लेस पर नाइन माइनस पी डैश इट इज एन के प्लेस पर नाइन माइनस वन सो यहाँ बच्चे का नाइन पी नाइन इक्वल्स टू एक्स पी डैश नाइन माइनस पी डैश एट तो देखिए ये इस तरह बन रहा है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है पी डैश एट को इधर ले जाती हूँ मैं नाइन पी नाइन प्लस के पी डैश एट इक्वल्स टू के एक्स पी डैश नाइन सो देखिए ये भी मेरा और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देती हूँ एक्स पी नाइन इक्वल्स टू के नाइन पी नाइन प्लस के पी डैश एट सो ये जो मुझे प्रूफ करना था ये भी मैंने प्रूफ कर दिया है हैंड्स प्रूफ सो so, इस तरह से इसके क्वेश्चनस होंगे आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा और आगे के क्वेश्चन हम इससे इन फॉर्मुल से रिलेटेड आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वीचिंग वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट थैंक यू फ्रेंड्स